हल्द्वानी में सबसे बड़े 135 साल पुराने राम मंदिर को रामनवमी के मौके पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। सदाचार के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज ही के दिन शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया था, इसलिए परंपरा के मुताबिक इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज बहुत ही पावन अवसर है हमारे परम आराध्य भगवान रामचंद्र जी का जन्म दिवस का। ये पावन अवसर आप देख रहे हैं, प्रातःकालीन 4 बजे भगवान का सुंदर अभिषेक एवं भव्य श्रृंगार किया गया, 9 बजे श्री साईं परिवार के माध्यम से संगीत में सुंदरकांड का आयोजन, और अभी ठीक मध्याह्न 12 बजे प्रभु की महाआरती एवं 56 भोग 55 फलों का प्रसाद वितरण किया गया है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सभी भक्तों में बहुत खुशी का ये अवसर है, क्योंकि 2 साल बाद हम लोग रामनवमी बहुत सुंदर और आनंद के साथ मनाएं। रामनवमी हमारे प्रभु जी श्री राम का जन्म उत्सव है आज, और संग में दुर्गा सप्त हमारा दुर्गा जी का भी जो है पारायण है। और मैं वृंदावन से आई हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, भगवान का बहुत उत्सव अच्छे से मनाया जा रहा है देख करके अति प्रसन्नता है। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ वृंदावन की तरफ से, श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। हाँ, हम शायद चाइल्डहुड से आते हैं, हम बचपन हमारा यहीं का है, और प्रभु श्री राम वाकई में यहाँ पर विराजमान हैं, और जो विवेक जी हैं उनके पिताजी जो हैं यहाँ से पहले से पूजा करते हैं, और इसमें वाकई में साक्षात प्रभु श्री राम विराजमान करते हैं, जो कि हम हिंदुओं का अस्तित्व भी कहलाए जाते हैं। और आज सबसे हर्षोल्लास का दिन हम लोगों का इसलिए है, 51 आरती आज के दिन यहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि शायद राम अयोध्या जो उनकी मानी जाती है जन्मभूमि, वहाँ पर आज पहली बार पूजन उनका योगी जी के हाथों हो रहा है। जय श्री राम, मेरा नाम सुमेला कपूर है। आज राम मंदिर में रामनवमी मनाई जा रही थी, जिसमें 51 औरतों के द्वारा आरती रखी गई थी। यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं येलो साड़ी में रेड चुन्नी में सभी लोग राम मंदिर में आरती करने के लिए आए हैं। बहुत भव्य लग रहा है, सुंदरकांड भी हुआ था, पंडित विवेक शर्मा के द्वारा सुंदरकांड किया गया था, और जिसमें सभी 51 औरतों को मात बहनों के अनुसार यहाँ पे आरती की गई, और जो कि आरती सम्पन्न हो गई है आप देख सकते हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, और अब समापन की ओर चल दिए।